हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जा दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग रीजनिंग के बारे में बहुत ही डीपली जो है बात कर चुके हैं, रीजनिंग के चैप्टर जो कि है घड़ी, घड़ी के बारे में हम लोग जो है इससे पिछले वाले लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है सीखा था कि कितने अंश का कोण बनता है, और जैसे 9 और 10 के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, और कितनी बार ओवरलैपिंग करती है, और समकोण कितनी बार बनाती है 12 घंटे में, 24 घंटे में, इसके बारे में हम लोग एकदम डीपली में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे घड़ी के ही एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। हम हमेशा ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, और आज भी आपको ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। या दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, एक घड़ी, जो एक घड़ी है, एक बजने पे एक बार बजती है, दो बजने पर दो बार बजती है, तीन बजने पे तीन बार बजती है, चार बजने पे चार, यानी कि जितने बजेंगे उतनी बार घड़ी की घंटा टन 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 बोलती है। तो आज हम वही जानेंगे। अब एग्जाम में हम लोग अक्सर घड़ी देखते हैं, घंटा बजता है, सुन लेते हैं, दो बज गया, पांच बज गया, दस बज गया, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने काउंट किया? नहीं किया। और यही चीज एग्जाम में आपको फंसा देता है। क्या फंसाता है? कि वह जो है आपसे यही पूछता है कि एक बजने पे एक बार घड़ी बोलती है, दो बजने पे दो बार बोलती है, तीन बजने पे तीन बार बोलती है, तो 12 घंटे में कुल घड़ी कितनी बार बजेगी? यही क्वेश्चन आपको घुमा देगा। और कभी 12 घंटे में पूछा तो कभी 24 घंटे में पूछ लेता है। जा दोस्तों, एकदम घबराने की बात नहीं है, एकदम आसान तरीका है, एकदम ट्रिक है। एक बार आप सिर्फ इसको ध्यान लीजिए, पूरा का पूरा जो है आप हल कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं, ट्रिक को बताते हैं। लेकिन उससे पहले कहना है दोस्तों, ट्रिक जानना है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करें, हम आपको बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी एक बजने पर एक बार, दो बजने पर दो बार, तीन बजने पर तीन बार बोलती है। अर्थात जितना बजती है उतनी बार बजती है, जितना बजती है उतनी बार बजती है। तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? यहां पे एक दिन की बात हुई है, यानी कि 24 घंटे की बात हुई है। एक दिन में कितनी बार बजेगी, यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? क्या दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम बताएं, जैसे कि एक फार्मूला है, पढ़े होंगे आप लोग, कि आप आसान से एक लिखिए कि 12 बजने पर कुल बोलने की संख्या, 12 बजने पर कुल बोलने की संख्या, 12 बजने पर कुल बोलने की संख्या। दोस्तों, हम जो है ये ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहे हैं और बताएंगे कि क्या है, कैसे इसको हल करेंगे। सीधा ट्रिक बताएंगे, कोई लोचा नहीं, कोई झंझट नहीं। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगेगा हल करने पे। जैसा कि आप लोग देखिए कि 12 बजने पर कुल बोलने की संख्या, आपको पता होगा कि जैसे एक बजा, एक बार बोला, इसमें जोड़ दीजिए, फिर दो बजा, दो बार बोला, इसको जोड़ दीजिए, तीन बजा, चार बजा,
जोड़ दीजिए 5 बजा, जोड़ दीजिए ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके 12। अगर ऐसे जोड़ने लगेंगे आप तो आपका समय तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो उसके लिए आप जो है एक फार्मूला याद कीजिए, छोटा सा है फार्मूला है, n कोष्टक में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बस यही करना है। क्या है, जितने बजे का पूछे, जैसे 12 बजे का पूछ रहा है तो आप जो है 12 एक से लेकर 12 के बीच में कर लीजिए। यहां पे एक जो है, ये जो है यहां से एक बार पूछा है तो एक, दो बार है तो दो, तीन बार है तो तीन, लेकिन यहां हम निकाल कितने कर रहे हैं, 12 बजने पर, यानी 12 बजने पर कुल कितनी बार बजेगी। तो हम जो है यहां से एक से शुरू करके 12 तक गए हैं, तो यहां जो है हमारा जो 12 है वह जो है यन का मान है। अगर यहां पे 24 का निकालते, यानी कि 24 घंटे का, तो हम यहां 24 रख देते, 12 की जगह 24 लिखते, तो हमारा यन जो है इस फार्मूले में वह 24 हो जाता। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहां हमारा यन है, यन कितना दिया है 12, कोष्टक में क्या है, फिर से क्या है, यन, यन मतलब 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही है। अब इसे काट दीजिए, 12 है ये, 12 है प्लस 1 है, तो इसे आप कर सकते हैं 12 गुणे 12 और एक जोड़ेंगे कितना होगा, कोष्टक को तोड़ेंगे 13 डिवाइडेड बाय 2, यहां से 2 और इसे काट दीजिए, क्या आया, 2 एक क्या 2, 6 दूने 12, कितना हो गया, ये आया अपना कि 6 × 6 × 13 बराबर के कितना आएगा, 78। क्या हुआ कि ये अपना 78, यानी कि 12 घंटे में हमारी जो घड़ी है वह 78 यानी कि 78 बार बजेगी। ये 12 बार जो है, 12 बजे जब बजेगा यानी 12 घंटे में हमारी 78 बार बजेगी। अगर यहीं पे पूछ लिया कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, आप भी सब्सक्राइब करके बेल घंटा बजाइए ना, सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं। यहां जब घंटे की ही बात हो रही है, जब घड़ी में घंटा बज रहा है, ये हुआ कि 12 घंटे में 78 बार बजेगी तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, आसान तर है। 24 घंटे में अगर हम बात करें, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो यहां पे तुरंत आप करिए 78 × 2 यानी कि 156 बार बजेगी, 156 बार। यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, या 24 घंटे में घड़ी की घंटे कितनी बार बजेगी। अगर 12 घंटे की बात होती है तो 78 बार बजेगी, और 24 घंटे की बात होती है तो 156 बार। अब यहां पे हम जो है 24 घंटे का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसे काटने में फिर और समय लगेगा। इससे अच्छा है अगर 12 घंटे का निकालो और उसका गुणा कर दो, 2 से 24 घंटे का आ गया, यानी कि एक दिन का आंसर आ गया। और ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह समझ में एकदम से आसान है, एक बार फिर से बता देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन सुनिए कि एक घड़ी एक बार बजने पे, एक बजने पर, टाइम जो एक बजता है तो एक बार बजती है टनसी, दो बार, जैसे ही दो बजती है घड़ी में, समय हुआ दो, तो घंटा जो है घड़ी की दो बार बजती है, घड़ी का समय हुआ तीन तो तीन बार बजती है। ऐसे ही 12 घंटे में कुल घड़ी की घंटा कितनी बार बजेगी, अपना क्वेश्चन ये था। तो हमने क्या किया कि एक से 12 तक निकालना था,
तो इसे जो है जोड़ते हुए ऐसे करिए और बारहवां पद हमें निकालना था, यानी कि हमें यन का मान निकालना है, यानी कि एनवा पद भी बोल सकते हैं। तो जब यन का मान हमें निकालना है, ये हमने जो है एक फार्मूला है कि यन कोष्टक में यन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे हमें 12 निकालना है, तो यन 12 घंटे का निकालना है, तो यन का मान 12 दिया है। अगर 24 घंटे का निकालना होता तो यहाँ पे हमें 24 रहता। अगर यहाँ पे 6 घंटे का निकालना होता तो यहाँ पे यन का मान हमारा 6 होता। जितने घंटे का पूछेगा उतने घंटे का आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला था, तो यन की जगह हमने 12 रखा, फिर उसके बाद यन फार्मूले में है, फिर से यन की जगह 12 रखा, प्लस वन है फार्मूले में, प्लस वन को कोई नहीं छेड़खानी कर रहे हैं, प्लस वन को वैसे ज्यों के त्यों रख दिए, डिवाइडेड बाय टू तो डिवाइडेड बाय टू कर दिए। उसके बाद हमने देखिए यहां पे 12 किया, 12 है तो 12 किया। उसके बाद कोष्टक को हमने तोड़ा, कोष्टक को तोड़िए तो जहां, अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कोष्टक के बाहर यहां कुछ नहीं दिया है तो यहां पे गुणा का निशान रहता है। जैसे यहां पे कुछ नहीं दिया है तो यहां पे हमारा गुणा का निशान रहेगा। तो यहां पे हमने 12, उसके बाद ये 12 प्लस 1 13 गुणे 13 डिवाइडेड बाय 2 जो कि फार्मूले में दिया है, अब इसे हमने काट दिया। 2 × 1 = 2 और 6 × 2 = 12, यानी कि 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। और ये कट गया, हमारा आया कि 6 × 13 से जब मैंने गुणा किया तो आ गया अपना 78 बार, यानी कि 12 घंटे में हमें 78 बार घड़ी की घंटा बजेगी। ये आया 12 बार निकल के आया, तो जैसे ही हमने जो है 24 घंटे का अगर निकालना हुआ तो 24 घंटे में हमें, हमारे पास 12 का तो है ही, कोई शक नहीं है, तो 12 का है तो अगर 24 घंटे का निकालना है कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 12 में 12 घंटे का 78 बार है तो 2 से गुणा कर दो, जैसे ही 2 से गुणा करोगे तुम्हारा 24 घंटे का निकल के आ जाएगी, यानी कि 24 घंटे में 156 बार बजेगी। ये तो हुआ आसान सा, कितनी बार बजी कितनी बार नहीं बजी वो तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान सा ट्रिक है। और एक और क्वेश्चन घुमा देता है, क्या एक घड़ी 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है, ऐसा होता है? तो बताइए कि 8 बार बजने में कुल कितना समय लेगी? ऐसा भी क्वेश्चन घुमाता है। थोड़ा सा अगर एग्जामिनर ने टॉप किया, थोड़ा सा अगर टॉप किया तो आपका जो है आंसर घूम जाएगा और दिमाग को कंफ्यूज कर देगा। एग्जामिनर वही तो चाहता है कि आप कहां पे गलतियां करते हैं, वही एग्जामिनर उसी गलती को बार बार रिवाइज करता है कि बच्चे गलती कहां करते हैं। ये तो हुआ आसान जनरली सा जो अक्सर सब लोग जान जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमाएगा, क्या घुमाएगा ये बता रहे हैं कि जैसे एक घड़ी 12 बजने पर 44 सेकंड लेट हो जाती है, 44 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए कि 8 बार बजने में कुल कितना समय लगेगा। तो आसान सा ट्रिक है, क्वेश्चन है क्या, एक घड़ी, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यही घुमा के पूछता है। अब जो है कंपटीशन पड़ गया है तो हर एक चीज को, जो छोटी छोटी चीजें है गलत करते हैं उसे हमें कैच करना है। कैच करने के लिए क्या है, हमें ट्रिक से पढ़ना होगा, ट्रिक जानना होगा, तभी तो हम 30 सेकंड में हल कर पाएंगे। एक घड़ी 12 बार बजने पर, 12 बार बजने पर, 12 बार बजने पर या 12 बार बजने में 44 सेकंड, 44 सेकंड का समय लेती है, समय लेती है, तो बताइए
तो बताइए कि आठ बार बजने पर, आठ बार बजने में कुल कितना समय लगेगी? बस आसान सा सवाल है, कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपको घुमा दिया है। अगर हम यूं चल रहे थे तो उसने कुछ नहीं किया, उसने घुमा के यूं कर लिया कि ऐसे चलो भाई, ऐसे कहां जा रहे हो। यह है एग्जामिनर, लेकिन आपको पता है कि आप अनिल मौर्य जी के साथ में है, तो इसके लिए आपको हम हर एक ट्रिक बताएंगे, हर एक फार्मूला बताएंगे कि एग्जामिनर एग्जाम हॉल में आपको कितनों घुमा दे फिर भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके घंटे को दबा के बने रहना पड़ेगा। या दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया, एक घड़ी 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है, समझ रहे हैं, तो बताइए कि 8 बार बजने में कुल कितना समय लेगी। ये समय किसकी बात हो रही है, 12 बार बजने में, यानी कि जैसे घड़ी की घंटा हुआ, ऐसे घंटा है, एक बार बजा टन, दूसरा बजा टन टन टन, अगर ऐसे बजती है तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही 12 बार बजने पे जो ये समय लगा वह 44 सेकंड का लगा, वो 44 सेकंड का समय लगा। और यही पूछ रहा है कि 8 बार बजने पे कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं है, आपको देखना है क्या करना है। हम लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप वैसे ही लगाना, जैसे है 12 बार बजने में लगा समय, 12 बार बजने में लगा समय कितना समय लगा, चौवालीस सेकंड का। तो हम जो है कह सकते हैं, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, जिससे जो है अच्छे से समझ में आए, क्लियर रहेगा तो क्लियर अच्छे से दिखेगा, जब अच्छे से दिखेगा तो मजा आएगा देखने में। तो देखिए क्या है, 12 बार बजने में लगा समय 44 सेकंड का है, तो हम कह सकते हैं कि 12 बार बजने में लगा समय अंतराल, समय अंतराल बोले तो जैसे 12 बार जब बजा तो उसमें कितना समय का अंतर लगा, अंतराल, यानी कि यहां पे 12 माइनस 1 बराबर 11। अब ये 12 माइनस 1 कहां से आया, ये क्या है कि जैसे क्या होता है कि हमने ये पहला ये घंटा है, मान लीजिए पहला बार बजा टन, बज गया, उसके बाद समय स्टार्ट हुआ, जैसे ही बोला टन समय स्टार्ट, दूसरी बार जब आएगा तो उसमें फिर समय लगेगा ना, पहला तो जब बजेगा तब से हम काउंट करेंगे, जैसे ये आया 1, उसके बाद दूसरा आएगा 2, उसके तीसरा आएगा तब उसमें समय लगेगा, यानी पहला आया उसमें समय नहीं लगा, दूसरा तीसरा आया तब समय लगा, इसलिए हम जो है पहले को माइनस यानी 1 को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है 12 माइनस 1
फिर अब निकालते हैं 11 बार में समय अंतराल में लगा समय, यानी कि 11 बार में समय अंतराल अंतराल समय लगा समय लगा समय। अब क्या होगा, अब 11 बार बजने में कितना समय लगा, 44 सेकेंड। अब क्या करना है, अब हमें 1 मिनट का निकालना है, 1 मिनट में लगा समय। तो 1 मिनट में लगा समय 44 डिवाइडेड बाय 11, क्या आया 11 चौ 44, यानी कि 1 मिनट में लगा समय 44 बटे 11, यानी कि 4 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि 8 बार का हमसे पूछा, हमें 1 बार का निकल के आ जाए ना 4, तो हमसे कितनी बार पूछा है, 1 बार का, 8 बार का पूछा है तो हमें 1 बार का निकल के आ गया 4, तो हमें क्या करना है 8 का। अब हमने बताया कि अगर 8 का पूछा है तो हमें कितने का निकालना पड़ेगा, 7 का। कैसे, क्योंकि 8 बार तो भी पूछा है, तो जब पहली बार बजेगा तो उसको हमने काउंट नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 1 बराबर 7 गुणे, और 1 का कितना समय है 4, तो 7 × 4 यानी कि 28, ये आपका आंसर आया सेकेंड, यानी कि आपका 8 बार बजने पे 28 सेकेंड का समय लेगा। अब इसमें जो है बात कर लें कि कैसे हुआ 44 सेकेंड का समय ले रहा है, यानी कि सीधा सीधा देखिए, जितनी बार का पूछे रहे, पहला बार जितने बार का दिया हो, 12 बार का 44 दिया है, ठीक 44 दिया है, तो आपको क्या करना है, जितना दिया है 12 कहा है तो तुरंत 1 कम करिए, तुरंत उसका 11, 12 दिया है तो उसको 11 कर दीजिए, उसके बाद जितना समय दिया है उस समय को डिवाइड कर दीजिए उतने से, 11 से हमने डिवाइड किया, 44 समय दिया है तो हमने जो है 11 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, जैसे ही 4 आएगा वो 1 का आपका जो है निकल के आ गया। तो जितनी बार का पूछा रहे, 8 बार का पूछा है तो आप उसमें से 1 कम करिए 7, 7 करते ही जो है आप जो है जो 1 का निकल के आएगा उसे से गुणा कर दीजिए, आपका उतने बार का निकल आएगा। यहाँ पे अगर 10 रहता 8 बार की वजह, 8 बार बजने में कुल कितना समय लगेगा, अगर यहाँ रहता 10 बार तो 10 में से 1 माइनस करते तो आता हमारा 9, 9 में हम 4 से गुणा करते तो आंसर आता। बस इतना जानिए, जो पूछे हमें पहले 1 का निकालना है, पहले 1 कम करना है, 1 का निकालना है, उसके बाद जितने का पूछा रहे उसमें से 1 कम करके जो 1 का निकल के आएगा उससे हमें गुणा कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। या दोस्तों अगर ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, हम जो है आपको इससे भी आसान ट्रिक से समझाएंगे कि कैसे जो है एकदम 30 सेकंड में आप जो है आंसर को पा सकते हैं। अभी आगे और ट्रिक है, ऐसी ऐसी ट्रिक है जिससे कि आप जो है आराम से तुरंत यू बिना पेन कॉपी उठाए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल के साथ बने रहना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं दोस्तों।